हम बात करते हैं अपने स्टॉक की। जो स्टॉक आज हमने डिस्कस करना है, मुथूट फाइनेंस। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं अपनी प्रेजेंटेशन। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन पे व्यू हो गई होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की, मुथूट फाइनेंस। एक मुथूट फाइनेंस के स्टॉक की बात करें, और इनका निशान है दो हाथी। ये जो दो हाथी आप देख रहे हैं आगे एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, ये इनका निशान है। काफी आपको देखने को मिल जाएगा, काफी पॉपुलर है और काफी बड़ी मार्केट इस कंपनी की है। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। देखिए, मुथूट फाइनेंस जो है एक केरला बेस्ड बिजनेस हाउस है, मुथूट ग्रुप उसकी एक फ्लैगशिप कंपनी है। और इनका जो बिजनेस है डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। ऐसा ही नहीं कि मतलब कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है, दे आर इन हेल्थ केयर ऑल्सो, दे आर इन रियल इस्टेट, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, पावर जनरेशन, एंटरटेनमेंट। तो मुथूट फाइनेंस की अगर बात करें तो 1997 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और इनका जो मेजर जो फोकस था वो गोल्ड लोन था, और गोल्ड लोन एनबीएफसी करके ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। और अगर हम इस कंपनी के टोटल लोन असेट्स की बात करें, स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 50,391 करोड़ का इनका टोटल लोन असेट्स है। और साथ ही साथ 4,632 ब्रांचेज है एज ऑन 31 दिसंबर 2020। साथ ही साथ इनका जो मेजर पोर्शन आता है, क्योंकि साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है, तो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया से जो इनका मेजर जो पोर्शन आता है बिजनेस का, 49% के आसपास आता है। और जहां के कहीं ना कहीं साउथ इंडिया के अलावा पिछले सालों में इन्होंने अपनी प्रेजेंस और भी पूरे इंडिया में ही लगभग कह सकते हैं कि बढ़ाई है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर हम इसके स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3,000 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट 50,000 करोड़ के असेट बेस पे फाइनेंशियल 2020 में कंपनी ने रिपोर्ट किया था। और साथ ही साथ 2019 में ये केवल 38,000 करोड़ का असेट बेस था, जिसपे 1,972 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था फाइनेंशियल 2019 का। तो 19 से 20 में जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिली। और अगर आप पिछले हाफ ईयर की भी बात करें, 30 सितंबर तक की, जो कि कोरोना काल से पीड़ित था, यहाँ भी कंपनी ने 1,735 करोड़ का नेट प्रॉफिट ऑलरेडी लॉक कर चुकी है। और अगर हम बात करें कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट की, तो कंसोलिडेट जो प्रॉफिट है कंपनी का 52,000 करोड़ से ज्यादा का है 30 सितंबर को, जो कि 46,000 करोड़ था 31 मार्च में, और 31 मार्च 20 में, और 31 मार्च 19 में 38,000 करोड़ के आसपास था। मेजर जो बिजनेस है इनका गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन और माइक्रो फाइनेंस। तो गोल्ड लोन मेजर अकाउंट करता है 89%, और 4% हाउसिंग और 5% माइक्रो फाइनेंस। अब देखिए, मार्केट लीडर है कंपनी गोल्ड लोन और हाउसिंग सेगमेंट में। तो अगर हम बात करें ट्रैक रिकॉर्ड की, तो जैसे हमने बताया कि 1997 में कंपनी इनकॉर्पोरेट, 20 साल से ज्यादा पुरानी नहीं, 2 डिकेड से ज्यादा पुरानी कंपनी है गोल्ड लोन बिजनेस में। और सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं गोल्ड लोन एनबीएफसी है। अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो करीब करीब टोटल पोर्टफोलियो 47,016 करोड़ का है, जिसमें से 98% जो है गोल्ड लोन है एज ऑन 30 सितंबर 2020। और अगर हम बात करें कंसोलिडेट प्रॉफिट की, जो 52,286 करोड़ आया था, अभी मैंने बताया कि 30 सितंबर को, एज कंपेयर टू जून में 46,501 था, और 31 मार्च 19 को ये 38,000 करोड़ के आसपास। तो जबरदस्त प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के। और कंपनी पैन इंडिया बेस पे ऑपरेट कर रही है, हालांकि इसकी 60% के आसपास जो ब्रांचेज है वो साउथ इंडिया में है, और बाकी लेकिन इसके अलावा बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू कंपनी ने बनाई है। अगर हम मथुत फाइनेंस की ही कंपनी की अगर बात करें, तो मथुत फाइनेंस एक तरीके से एक होल्डिंग कंपनी भी है अपने आप में, जो कि गोल्ड लोन का मेन प्राइमरी बिजनेस करती है, होल्डिंग कंपनी है। साथ ही साथ इनके और भी अदर बिजनेसेस हैं, जिनमें जैसे मथुत होम फिन इंडिया लिमिटेड, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट है इसका, इसमें 100% शेयर होल्डिंग है कंपनी की। बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जिसमें 70% होल्डिंग है। मथूत मनी लिमिटेड व्हीकल फाइनेंस कंपनी है, जिसमें 100% शेयर होल्डिंग है कंपनी की। एशिया असेट फाइनेंसिंग एलएलसी इनकी एक लिस्टेड सब्सिडरी है श्रीलंका में, जो कि जिसमें भी करीब करीब 73% के आसपास का इनका शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा मथूत इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी इंश्योरेंस ब्रोकिंग में भी कंपनी है, यहाँ भी इनका 100% शेयर होल्डिंग है। और एक इनकी मथूत असेट मैनेजमेंट यानी कि एएमसी कंपनी है, जो कि म्यूचुअल फंड वगैरह देखती है, उसमें भी 100%। और मथूत ट्रस्ट, ये भी एक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, यहाँ भी 100% शेयर होल्डिंग है। तो
ऐसा नहीं है कि मुथूट फाइनेंस केवल गोल्ड लोन से रिलेटेड ही है, इसमें और भी बहुत सारे बिजनेसेस अगर हम देखें तो साथ में हमको मिल रहे हैं इस कंपनी में। जियोग्राफिकल प्रेजेंस, जैसे मैंने अभी बताया था कि 4,632 के आसपास ब्रांचेज इस कंपनी की हैं, और अगर हम देखें जियोग्राफिकल बेस पे तो ईस्ट मतलब ईस्ट इंडिया को अगर हम देखें चार पार्ट में डिवाइड करें तो 7% के आसपास इनकी ईस्ट इंडिया में पहुंचे, 16% के आसपास वेस्ट इंडिया में, 17% के आसपास नॉर्थ इंडिया में, और 60% के आसपास इनका साउथ इंडिया में बिजनेस है। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में ही, बाकी अगर देखें तो 40% साउथ इंडिया के अलावा बिजनेस है। तो ओवरऑल पूरे पैन इंडिया प्रेजेंस है। अगर इनका गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो देखें और उसकी ग्रोथ देखें तो आप देखिए गोल्ड लोन का जो पोर्टफोलियो इनका मार्च 2013 में 260 बिलियन रुपीज के आसपास था, वो अब धीरे 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 बढ़ता हुआ आज 500 बिलियन के आसपास आ चुका है, दिसंबर 30 की जो इनके प्रेजेंटेशन है। गोल्ड की इनकी होल्डिंग, क्योंकि गोल्ड लोन कंपनी है, गोल्ड लेके और फिर ये लोन देते हैं, गोल्ड को अपने पास एज रखते हैं तो सिक्योरिटी रखते हैं, तो इनकी जो गोल्ड आज की डेट में इनके पास पड़ा हुआ है अगर हम देखें करीब करीब 166 टन गोल्ड इनके पास पड़ा हुआ है एज ऑन 31 दिसंबर 2020। क्योंकि और साथ ही साथ अगर बात करें इनकी प्रोडक्टिविटी की, तो देखिए इनका जो प्रेजेंस गोल्ड एवरेज गोल्ड लोन पर ब्रांच निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब देखिए अगर हम देखें तो मार्च 14 में 50 मिलियन के आसपास था पर ब्रांच का इनका बिजनेस, जो कि कहीं ना कहीं अब 107 करोड़ के आसपास हो गया है दिसंबर 20 में। अब देखिए कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है इसमें, देखिए एवरेज मंथली इनका जो डिसबर्समेंट है और कलेक्शन, देखिए डिसबर्समेंट 43% के आसपास, 43 बिलियन के आसपास, कलेक्शन 41 बिलियन के आसपास, यानी कि जो डिसबर्समेंट है, क्योंकि इनका क्या होता है कि नॉर्मली ये 6 मंथ्स में अपनी सारी जो मेजर जो पोर्शन है अपने लोन का वो रिकवर कर लेते हैं, तो जबरदस्त इनका रिकवरी कलेक्शन प्रोसेस भी जबरदस्त है। अगर हम देखें इसको Q3 FY 2020 यानी प्री कोविड जो लेवल था, Q4 जो था 98 इनका 98 बिलियन का एवरेज डिसबर्समेंट रहा है और कलेक्शन रही करीब 87। बीच में ये बढ़ के जो पिछला क्वार्टर था वहां 167 करोड़ के आसपास पहुंच गई, 148 करोड़, और अभी भी ये प्री कोविड जो लेवल है उससे ऊपर ही बनी हुई है। तो ये एक अच्छी चीज है, बिजनेस में बहुत ज्यादा कोई हिकअप्स हमें कोरोना की वजह से देखने को नहीं मिली है। अब कलेक्शन परसेंट की बात करें तो कलेक्शन देखिए एफिशिएंट कलेक्शन है, इनका जो कलेक्शन रहता है 6 महीने का जो डिसबर्समेंट है उसके बेस पे रहता है, उस बेसिस पे 62%, 66%, 60% हर साल में, मतलब 60% से ज्यादा ज्यादा इनकी कलेक्शन हो रही है अगले जो अगले 6 महीने का जो इनका लोन कब होता है उसको 6 महीने को 6 महीने में रिकवर कर लेते हैं 66% तक। तो बहुत अच्छा जो है इनका बिजनेस मॉडल है। अब क्योंकि ये गोल्ड लोन कंपनी है तो ये जो गोल्ड लोन कंपनी है ये कहीं ना कहीं एनबीएफसी है, तो इसको बैंक से या डिवेंचर्स वगैरह रेस करके अपना फंड जुटाना पड़ता है और फिर वो ये फंड आगे देते हैं। जैसे एनबीएफसी की अगर बात करें तो एनबीएफसी में ये होता है कि बैंक से या कहीं और डिवेंचर से या किसी और एक्सटर्नल कोर्स कॉमर्शियल बोरिंग या किसी और सबॉर्डिनेट डेट से ये फंड जुटाते हैं, वो फंड पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा कम होता है, या अपने कस्टमर को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं वो थोड़ा ज्यादा होता है, जो डिफरेंस होता है वही इनका इंटरेस्ट इनकम होता है। ये एनबीएफसी के लिए भी यही है। तो इनका जो अगर हम स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग है, देखिए आप मेजर जो सोर्स ऑफ फंडिंग है बैंक से है करीब करीब, और सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, और साथ ही साथ एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग है, तो एकदम स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जबरदस्त है, अभी भी प्रमोटर का 74% स्टेक प्रमोटर और उनके रिलेटिव का है एज ऑन 31 दिसंबर। साथ ही साथ एफआई का भी स्टेक 22% के आसपास है, यानी कि एक जनरल पब्लिक के आसपास देखें तो जनरल पब्लिक के आसपास केवल 3-4% का स्टेक जनरल पब्लिक में फ्लोट है, यानी कि मेजर पोर्शन जो है शेयर होल्डिंग का वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। करीब करीब आप समझ लीजिए कि 96% के आसपास का जो होल्डिंग है वो मेजर शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। अब बात कर लेते हैं इनके रीसेंट रिजल्ट्स की और पुराने रिजल्ट्स की। अगर हम पिछले 9 महीने का रिजल्ट देखें, यानी जो 31 दिसंबर को रिजल्ट्स आए हैं, अगर उनकी बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम इनकम की बात करें 23% के हिसाब से इनकी ग्रोथ देखने को मिली है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 24% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 24%।
अगर हम क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में भी देखें तो 20% के हिसाब से इनको इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है, साथ ही 21% प्रॉफिट बिफोर टैक्स और 22% के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ देखने को मिली है। जबरदस्त रिजल्ट इस तिमाही में भी कंपनी ने पेश किए हैं, और साथ ही साथ कोई मेजर रिस्ट्रक्चरिंग इनमें देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से कि कहीं कोई कंपनी को कोई मेजर एनपीएस डिक्लेयर करने पड़े हों। अब मैं बात करता हूं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए, टेक्निकल चार्ट पे अगर हम स्टॉक को देखें तो टेक्निकल चार्ट पे भी एक जबरदस्त ट्रेंड लाइन देखी, जहां भी ये ट्रेंड लाइन, ये स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी, मैं पहले बता देता हूँ, स्टॉक की जो लिस्टिंग हुई थी करीब करीब 2011 के आसपास हुई थी, और उस समय 200 रुपए के आसपास स्टॉक था। हालांकि उसके बाद नीचे, जब हमने 2013 में देखा था, एक गिरावट आई थी निफ्टी में जबरदस्त, तो उसके बाद ये स्टॉक के करीब 80-75 के लेवल भी स्टॉक ने दिखाए, लेकिन उसके बाद से देखिए चार्ट पैटर्न कितना जबरदस्त चार्ट पैटर्न है। हर बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर रिकवरी आई है, फिर ट्रेंड लाइन का यहाँ सपोर्ट लिया 2019 में, फिर रिकवरी आई है, और अब ये चार्ट जो पैटर्न है, ये एक बड़ा ही जबरदस्त चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें इस चार्ट को, तो ये एक काइंड ऑफ फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है मंथली चार्ट पे। तो इसका जो ब्रेकआउट है अभी देखने को मिल सकता है हमें। तो अभी अगर हम देखें स्टॉक को, तो स्टॉक करीब करीब 1300 के जो लेवल है और 1100 के लिए लेवल है, यानी 1100 से 1400 के आसपास को जो लेवल है, उस रेंज में स्टॉक पिछले 7-8 महीने से हम देखें तो उसी रेंज में घूम रहा है। आप यहाँ पे अगर देखें तो देखिए यहाँ पे स्टॉक घूम रहा है, और करीब करीब पिछले जून जुलाई से, और अभी तक स्टॉक यही 1200, 1400 और 1100, यानी 1100 से 1400 की रेंज में स्टॉक घूम रहा है, यानी 1100 से 1400 की रेंज में स्टॉक घूम रहा है, यानी कि एक कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक अपने आप को। एक जबरदस्त ब्रेकआउट स्टॉक को मिला था जब यहाँ पे स्टॉक ने 600 रुपए के आसपास से 1200 रुपए के लेवल छुए थे, और उसके बाद से लगातार स्टॉक कंसोलिडेट, फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न मंथली चार्ट पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर अब आगे के लिए देखिए नजरिया क्या है, अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन अभी यही स्टॉक शेयर करना बंद कर रहा हूँ, और अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। तो देखिए स्टॉक को अभी भी अगर मैं देखूँ, बड़ा ही जबरदस्त पैटर्न देखने को मिल रहा है, ऊपर में 1400, नीचे में 1100, ये एक या 1000 नीचे मिनिमम जो लेवल है, 1000 ऊपर में 1400, 400 रुपए की रेंज में स्टॉक काम कर रहा है। और स्टॉक को अगर हम देखें तो स्टॉक में जुलाई के आसपास ब्रेकआउट आया था, 1400 के लेवल दिखाए थे, और उसके बाद से लगातार स्टॉक एक रेंज में है। अब जब भी स्टॉक में 1400 रुपए के ऊपर का एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो आपको स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके का फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न स्टॉक में देखने को मिला है, और ये 600 रुपए से स्टॉक 1400 रुपए तक गया है, यानी 800 रुपए के आसपास का मूवमेंट देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जैसे ही ये स्टॉक 1400 रुपए के ऊपर जाएगा और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, क्योंकि मेजर जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर और FII और DII के हाथ में है, यानी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है, तो जैसे ही ये स्टॉक 1400 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देगा किसी भी मंथली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ ये स्टॉक आपको 2000 रुपए तक के लेवल बिल्कुल दिखाएगा, जैसे ही ब्रेकआउट देगा उसके अगले 3 महीने के अंदर। तो ब्रेकआउट का वेट करें, जिनके पास है स्टॉक बिल्कुल बने रहें और स्टॉक को होल्ड भी करें, और कोई गिरावट आए तो गिरावट का जो मौका रहेगा वो कहीं करीब करीब रहेगा, 1000 का लेवल है, मेजर सपोर्ट लेवल है, 1000 के लेवल के आसपास अगर आपको स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली बाई करें, और 700 रुपए के आसपास, थोड़ा 300 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के चलें, क्योंकि थोड़ा बड़ा प्राइस है और 30% का आपका रिस्क रहेगा, लेकिन 1000 रुपए के लेवल के आप बाई कर पाते हैं तो आपको 2000 रुपए तक के लेवल, मेरे को लगता है ये स्टॉक देने की क्षमता रखता है, यानी कि करीब करीब 100% रिटर्न आपको मिल सकता है, यानी 30% का रिस्क है, 100% का रिटर्न आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। जिनके पास है होल्ड करें, नहीं है नीचे का लेवल आए तो बिल्कुल बाय करने की चेष्टा कर सकते हैं, 1000 से लेकर 1100 रुपए की रेंज में बाय करें, 700 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के। थैंक यू।